तो चलिए आगे खबर देखते हैं विस्तार से। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी जाति प्रमाण पत्रों को लेकर बवाल तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराने की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार में प्रमाण पत्र ही नहीं बनने का दावा किया, साथ ही सरकार को SC ST और OBC विरोधी करार दिया है। इन सब पर देखिए INH की खास रिपोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने सभी जाति प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले ने पूरे देश में OBC के जाति प्रमाण पत्रों को लेकर सियासत गर्मा दी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रमाण पत्रों की जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जिलों में बीते 5 सालों में फर्जी OBC सर्टिफिकेट बनवाने की जानकारी सामने आई है, इसलिए इस विषय को वे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। प्रयास होगा कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। दरअसल उनका तर्क है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, इससे जो वास्तविक हकदार हैं उनका हक मारा गया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं यह सरकार ST, SC और OBC की विरोधी सरकार है। भाजपा की सरकार बनते ही जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं है, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसके आधार पर आरक्षण दिया गया, ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म में धर्म के लोगों को अगर आप ST, SC या OBC बनाएंगे तो मूल ST, SC, OBC के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो ST, SC के लोग हैं, वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के 5 लाख जाति प्रमाण पत्रों पर तलवार लटक गई है। अब इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज है। ऐसे में प्रदेश की 38% OBC आबादी और बीते 5 सालों में बने हजारों जाति प्रमाण पत्रों को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच की आंच में कौन कौन आएगा और क्या कार्रवाई होगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।